लीजिए हजरात, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ बरादर अजीज आली जनाब जाहिद जहाना गंजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करे। पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें दोस्तों, जोरदार तालियों से एक बार उनका इस्तकबाल करें दोस्तों। आप थोड़ा बेदार हो जाए अभी मेरी फहरिस्त में, हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है। हामिद भुसालवी साहब को बहुत ज्यादा से ज्यादा सुनना है। मुजावर मालेगावी अभी मेरी फहरिस्त में मौजूद है। यूसुफ सागर वाला मौजूद है, यूसुफ सागर जो भिलाई से तशरीफ लाए हैं, हमें इन मोतबर शायरों को अभी सुनना है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आली जनाब जाहिद जहाना गंजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें। मुकर्रम मेरे सामने कराम, आज का ये कुल हिंद मुशायरा बड़ी खूबसूरती के साथ अंतिम मंजिल तय कर रहा है। आज के इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं नौशाद हैदरी साहब, कि इनकी निजामत में दूसरी बार पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। आइए हाजरीन, सदर मौसूफ से इजाजत, एक मतला पेश करता हूँ बतौर खास मुलादा फरमा लें। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, एक बार ताली बजा के इजाजत दें, ताली बजा के इजाजत दें तो इंशाल्लाह मैं मतलब पेश करता हूँ। मुलादा फरमा लें नौशाद भाई, मतलब सुनिएगा, पेश करता हूँ मुलादा फरमाए। कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे शहर में आकर ये हमने जाना है, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे शहर में आकर ये हमने जाना है, तुम्हारे शहर में। नागपुर वालों मतले की हिफाजत कीजिएगा, पेश करता हूँ मुलादा फरमाए। कि तुम्हारे शहर में आकर ये हमने जाना है, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे शहर में आकर ये हमने जाना है, तुम्हारे शहर का, तुम्हारे शहर का मौसम बहुत सुहाना है, शहर का मौसम बहुत सुहाना है। तुम बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर का मौसम बहुत सुहाना है, तुम्हारे शहर का। और तमाम शरीयत शोरा की खुसूसी तवज्जे खासों से मुजावर मालेगांव में साफ सुनिएगा, पेश करता हूँ मुलादा फरमाए। कि उसी में रहता हूँ मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ, उसी में रहता हूँ मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ, उसी में रहता हूँ, उसी में रहता हूँ, उसी में रहता हूँ मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ। गली के मोड़ पे, गली के मोड़ पे जो एक घर पुराना है, गली वाह 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 वाह, गली के मोड़ पे मोड़ पे जो एक घर पुराना है, तुम्हारे शहर में आकर ये हमने जाना है। और मक्ता मक्ता पेश करता हूँ मुलादा फरमाए। कि उसी उसी से मांगे है जो कुछ भी मांगना चाहते, उसी से मांगे है, उसी से मांगे है जो कुछ भी मांगना चाहते, उसी के हाथ पर, उसी के हाथ पर हर चीज का खजाना है, उसी के हाथ पर।
और दोस्तों चार मिसरे बहुत शुक्रिया और खूबसूरत सा मसला आपकी अदालत में रखता हूँ, पेश करता हूँ, मुलादा फरमाले। एक बार ताली बजा के इजाजत दे दे, मैं मसला हाजिर करूँ, पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। हमें अपनी जान से भी ज्यादा है प्यारा, मतलब सुनिएगा जैद भाई लियास भाई, हमें अपनी जान से भी ज्यादा है प्यारा, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा, हमें अपनी जान से भी ज्यादा है प्यारा, हमें अपनी जान से, हमें अपनी जान से भी ज्यादा है प्यारा, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा, कि कहीं लहलाते हैं सरसों के पौधे, कहीं लहलाते हैं सरसों के पौधे, कहीं पर बहारों के रंगीन जलवे, कहीं पर बहारों के रंगीन जलवे, ये रंगीन जलवों का दिलकश नजारा, ये रंगीन जलवों का दिलकश नजारा, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा। और ये गंगा जमुनी की तहजीब, और ये मेरा खूबसूरत संबंध पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। कि ये चाहती के नगमे मोहब्बत के साए, ये चाहती के नगमे मोहब्बत के साए, किसी कम नजर के नजर लगे न जाए, ये जागती के नगमे मोहब्बत के साए, किसी कम नजर की नजर लगे न जाए, किसी कम नजर की नजर लगे न जाए, इलाही सलामत रहे भाईचारा, इलाही सलामत रहे भाईचारा, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा, बहुत खूबसूरत वतन है हमारा। और दो मिसरे आपकी खूबसूरत समातों के हवाले पेश करता हूँ, मुलादा फरमाले। कि कभी भी उसे बशर पे रहे मते बारी नहीं होते, कभी भी उसे बशर पे रहे मते बारी नहीं होते, कभी भी उसे बशर पे रहे मते बारी नहीं होती, जिसे भी सही यदे अबरार से यारी नहीं होते। और ये आखिरी शेर पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, ये बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए। बहुत शुक्रिया। कि अगर सरकार की सुन्नत पे हम भी शादियां करते, अगर सरकार की सुन्नत पे हम भी शादियां करते, अगर सरकार की सुन्नत पे हम भी शादियां करते, जहेजों में फ्रिज कूलर वो अलमारी नहीं होते, जहेजों में फ्रिज कूलर वो अलमारी नहीं होती। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए हजरात,
इनके फलस्तीनियों के ऊपर से कुछ अशार पेश करने के लिए कहा गया हुक्म है। मैं बरादर मोहतरम, मैं फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हवाले से एक मतलब पढ़ता हूँ। आप लोग इजाजत दे तो मैं पढ़ूँ, ताली बजा के इजाजत दे दे, बहुत शुक्रिया। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाले। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ी सी माइक में जान डाले तो बड़ा अच्छा होता, मेहरबानी होती। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। सुनिएगा जैद भाई, लियास भाई, अकबर भाई, के ये जंग तुम्हारी है फलस्तीन के शेरों, काफिया देखिएगा मुजावर भाई, कि ये जंग तुम्हारी फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी फलस्तीन के शेरों, लड़ना भी तुम्हें ही है, लड़ना भी तुम्हें ही है फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी फलस्तीन के शेरों। अब जिस बंद के लिए मैं ये मतला छेड़ा है, अब वो बंद पेश करता हूँ। मलादा फरमा ले कि जो मौत से डरते हैं तुम्हारी नहीं होंगे, जो मौत से डरते हैं तुम्हारी नहीं होंगे, मजलूम के मुफलिस के सहारे नहीं होंगे। ये बात भी सच्ची है, ये बात भी सच्ची है फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी है फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी है फलस्तीन के शेरों। शेर मुलादा फरमाले कि उम्मीद लगाए हैं कि आएंगी अबाबील, उम्मीद लगाए हैं कि आएंगी अबाबील, मिट्टी में दरिंदों को मिलाएंगी अबाबील, ये बुज़दिल कैसी गए फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी है फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी है फलस्तीन के शेरों। तेजी के साथ इस नज़्म का मक्ता हाजिर करता हूँ बतौर खास। मुलादा फरमाले कि अल्लाह के शेरों का फलस्तीन है जाहिदे, अल्लाह के शेरों का फलस्तीन है जाहिदे, पैगंबरों वलियों का फलस्तीन है जाहिदे, पैगंबरों वलियों का फलस्तीन है जाहिदे, ये नबियों की बस्ती है, ये नबियों की बस्ती है फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी है फलस्तीन के शेरों, ये जंग तुम्हारी है फलस्तीन के शेरों।